कोशिर खबरनामा सुबह जहूर लोलाबी तहदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबर तफसील। जम्मू कश्मीर सबक वजर आला तो पी डी पी सदर महबूबा मुफ्ती श्रीनगर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वोनमुत इंतजामिया तरफ आम लुख तंग करान तमो पूछ हमलो सवाल कत करान वोनमुत दवे अत मामल सवाल तहकीकत गस कर ताहम अम हवाल बेगुना लुख सतवान महबूबा मुफ्ती जी ट्वेंटी सवाल तत् कर वोनमुत दशी मज जी ट्वेंटी समिट हवाल तैयारी कर ताहम मुख्तलिफ अजलान मज नौजवान रंग रंग सतवान तमों दुवे सरकार तरफ जम्मू कश्मीर मज हालात पुरान आने के दाव कर ताहम जमीनी सूरत यह आम लुख बेवजह तंग कर। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ बीजी पुंछ में एक अनफॉर्चुनेट बहुत ही बुरा वाकया पेश आया जिसमें कोई हमारे पांच जवान शहीद हो गए हैं और एक काफ़ी बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया है। और उम्मीद तो ये की जाती थी है कि जैसे सतपाल मलिक साहब ने बताया कि जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसको छुपाने की कोशिश की गई, यहाँ ये उम्मीद की जा रही है कि इसको मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और पता चलना चाहिए कि इतने सिक्योर्ड एरिया में जहां फौज का इतना बड़ा दबदबा है, ज़्यादा दबदबा है, ये कैसे हुआ। देखिए, जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हम चाहते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, मगर जिस तरह से अभी मैंने ये इमरजेंसी में आप लोगों के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि पिछले एक हफ्ते से जब से ये वाकया हुआ है जो हालात पुंछ के बने हुए हैं, राजौरी के बने, खासकर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बने हुए हैं, वहाँ जो जुल्म का तांडव चल रहा है, जिस तरह लोगों को पकड़ पकड़ के उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, जिसमें आपने भी सुना होगा एक आदमी मुख्तार शाह बटादूरिया का रहने वाला, जिसपे जो कस्टडी में पुलिस की कस्टडी में उसको लेके गए थे और उसके बाद ये बताया गया कि उसने खुदकुशी की। तो उसके घर वाले कहते हैं कि अगर ये कस्टडी में था, आर्मी की पुलिस में की कस्टडी में था, तो कस्टडी में कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है। आपने खुद भी नोट किया होगा 2019 के बाद कई बार ऐसा हुआ जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं कि हम इनको जी हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, वहाँ से मिलिटेंट ने गोली मारी और ये मर गए, या तो हम इसको हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, ये भाग गया और उसके बाद जैसे उब्दरशी डार की मिसाल है जो यहाँ कुनन पोशपोरा में, और आज ये जो मुख्तार शाह है कोई 35-36 साल का आदमी है ये, क्योंकि G20 जो है May 20 को शायद आ रहे हैं वो लोग, तो उससे पहले ही यहाँ के नौजवानों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। तो मैं जानना चाहती हूँ यहाँ की जो सरकार है जो रोज़ दावे करती है यहाँ सब ठीक ठाक है, अब कितना जुल्म करेंगे वो लोगों पे, अगर उनको बीजी में उन पर हमला हो गया आर्मी पे, तो आम लोगों को क्यों तंग करें, आम लोगों की क्यों पिटाई करें, आम लोगों की हलाकतें क्यों वहाँ हो रही हैं टॉर्चर की वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि कोई राजौरी पुंछ से कोई खबर नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, किसी को कोई अखबार वाला नहीं लिख रहा है इसके बारे में, कोई जो है चैनल वाला इसकी बात नहीं करता है। तो मैंने कहा कम से कम मैं तो बात करूं, हो सकता है उन लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाए जो इस वक्त बुज़ुर्ग तो बुज़ुर्ग, बच्चे क्या, औरतें क्या, सबकी इस वक्त जो है टॉर्चर हो रहा है, सबकी पूछताछ। सबक वजर आला जम्मू कश्मीर तो DPAP पार्टी हंद सरबरा गुलाम नबी आजाद सिंद तरफ आवाज़ जनूबी कश्मीर जिले शुपियन को दौर करने या दौरान तमो शुपियनस अंदर एकिस अवमी इजतमास खिताब तौर अत मौकस पे जलस अंदर लुकन हज खास तदाद मौजूद गुलाम नबी आजाद सिंद तरफ वन आमुत जलाकस मस तरकती कम नजर ग मेनिस दौरे हुकूमत मज कर आम जन तमो G20 हवाल तत् कर जम्मू कश्मीर मज G20 समिट सपदन खुश आयद कदम तो अम सिल जम्मू कश्मीर किस सयाहत आलमी सतह पे मजीद पोछर। G20 तो असली अभी नहीं है, वो तो सितंबर में है, ये तो वर्किंग ग्रुप्स है और वर्किंग ग्रुप यहाँ भी हो रहा है, इसके लिए अच्छी बात है। और यहाँ जो वर्किंग ग्रुप है वो टूरिज्म से मुतालिक है और चूँकि हमारी स्टेट टूरिस्ट प्लेस है तो इसकी वजह से
जो G20 यहाँ होगा उससे जाहिर है बैरून ममालिक के बड़े बड़े लीडर होंगे, तो इंटरनेशनल पैमाने पे हमें एक्सपोजर मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जब जो G20 की वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात होगी टूरिज़्म को लेकर हमारी स्टेट के मुतालिक, उनसे हमें एक बैनुल अक्वामी एक्सपोजर मिलेगा और आने वाले वक्त में हमें उसके लिए तैयार रहना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और बाकी जो ज़रूरियात है उसके हिसाब से। 130 करोड़ आबादी है, कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं मुल्क के हिस्सों में होता है और उसमें प्रोटेस्ट होते रहते हैं और जायज़ है जमहूरियत में प्रोटेस्ट। महकमे इरीगेशन तो फ्लड कंट्रोल महकमस अंदर कम करने वालों आर्जी मुलाजमों तरफ आवाज जुमिस अंदर एहतजाजी मुजाहरे करना एजाज में शामिल मुलाजमों तरफ वन आमुत तुम पत्मी कहियाव कल पे लगातार एहतजाज करान ताहम छ इंतजामिया तिंदिस मसलस कुन कह जुन दिवान यमकिन तुम मुश्किल मं हम तुम्हें मेवाल एल जी इंतजामिस अपील करम सन मसल अंजरानस हवाल तो खासकर सन नौकरी मुस्तकली करस हवाल गसन संजीद कदम तुलने यिन युत सन मुश्किल दूर सपदान। मेरा नाम शशि कुमार है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए 242 दिन हो गए हैं। ये आंधी गुंगी बहरी जो सरकार है ये सोई हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो 61,000 डेली वेजर है ये बड़ी ही मुसीबत में आ पड़ा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय LG साहब जल्द से जल्द इनके हक में कोई फैसला लाइए ताकि ये भी चैन की सांस ले लगे और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके। हमें बड़ी उम्मीद है माननीय LG साहब के ऊपर कि ये जल्द से जल्द हमारे हक में कोई ना कोई फैसला लाएं। शुमली कशीर पटन यदीपुरा इलाकस मज आवाज लुको तरफ महकमे हॉर्टिकल्चरस खिलाफ जोरदार एहतजाज करना एहतजाज में शामिल लुको तरफ शुवन आमुत यदवई बागों किन महकम महकम तरफ सड़क से कड़ने ताहम अवाल कम मुआवजे दिन सरासर नाइनसे फीसद नाकबिल कबूल तुम्हें अवाल जिले इंतजामिस अपील करम अत मामलों कुन गुन यून दिन तो अस ग बराबर मुआवजे फराम यून कर युत सन मुश्किल दूर सपदान। अम ब्रोट की बुस शुक्र गुजार गुलिस्तान चैनल यम योर बार बार अस तशरीफ अना और सन मसल मसाइल अहकाम तय वाता अम कि बे अकन शुक्र गुजार गुलिस्तान और बिलखसूस राहनी सर सब यमो योत वन तशरीफ उन असर विकस ये बोड़ बार मसला यदीपोरा पलहानस मज गुत अमो कर बाजब तौर सर्वे और अत मे सान गामिक वह कुल बादम कुल अमो रेट दिखम ठीक 600 रुपये किलो हिसाब सर मगर ये वुचान अकिस कुलिस वसान पंचा पेटि अत पम 50% सटान अत तर फिक्र 40,000 रुपये अगर कह कुल लये अत दिवान 5,000 रुपये ये कि जन अहद यह फैसला मंजूर हज कह तुंद वसादत यहां अम तान कत वात अस दियो कुलें माकूल रेट अगर अस कुलें माकूल रेट मिले तो सोन कुल दमो बाईपास खुद कुल अगर अस माकूल रेट मिले कहें सोन गाम नेर कुल हम सोरु अत बाईपास पे दमो यह बाईपास अप कड़ने कहें अच्छा नाइसाब गा अना बाजर कुल कुल 300 रुपये पे और ये कुलिस दिवान तुम 40 रुपये 50 रुपये रेट अमरीकन कुलिस अमरीकन कुलिस सत्तर पेट वसान आज हवान पांचन पेटन ठन पेटन रेट यह सा सीधे नाइसाब पलहानस ठीक रेट संग्रमित ठीक रेट ये पूरे यो क्या अम खुद चुन अत कम रेट दिवान लिहाजा चुस बे अक लटे तुंद वसादत यहां एडमिशन सा यह कत वात बिलखसूस LG गवर्नमेंट सा यह कत वात अस दियो माकूल रेट अत दमो अप रोड कड़ने अस मिल माकूल रेट कहें नो शुरो बड़ो लकट बेहो रोड पे दिमो अप रोड कड़ने कहें लिहाजा दिन बराबर रेट यह कि कानूनी रेट रेट दिन बराबर बाकी शुक्रिया अस रोड बाईपास नीति पोरा पलहालन डी अस दिवान रेट कुलें 5,000 4,000 8,000 ये कि जेन्युन रेट 40 टू 50,000 नॉर्मल
नान सफी ग हार्टिकलचर तरफ अकूल इंसाफ मिलन अत जायज रेट सह गए मिलन अय मगर अद्दी ग अगर बेक इन अद्दी ग इस कुल जेनवन ईमानदारी सान पंचा सा लाए तथ पास थम इस पंचा सा लाए तथ पास थम इस कुल अनान दोन नतन पटन लागन खातर तथ शेट रोप पंचहठ रोप थम यह जाति तथ गई पांच वरी आठ वरी लागे तथ तमें पंचहठ रोप थम इस दोन नतन पटन अनान तो अमकिन जाति गानसफी ग इंसाफ तुद माध्यम थ्रो सब डिवीजन थाना मंडी रोजन वाले लोगों तरफ से सड़क तमीर कर वाजे एकस निजी कंपनी खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर आमद एहजाज में शामिल लोगों तरफ से वन आमुत मुतलिका कंपनी से पन्ने मन मर्जी काम करान यम किन लुख तशवीशस मज शनामेद तिमो शामिल वाल इंतजामिस अपील करम ज अत मामलस कुन गज जून यन दन तो मुतलिका कंपनी खिलाफ गज सख्त कार्रवाई करने यन युथ लुकन मज पौध सपूत मु तशवीश दूर करने यी रोड इसलिए बंद किया। मेरा नाम अब्दुल अजीज बल्द अल्लाह दिता है, ये मैं मनियाल में रहता हूँ। वो इसलिए रोड हमने बंद किया कि हमारे जो मकान है ऊपर इस वक्त देखा जाए, वो चेक किया जाए, तहसीलदार साहब आकर चेक करें और मीडिया वाले खुद जाकर हमारे पूरे जितने मकान है इतने मकान हमारे जद में आ गए और हमारे मकान के आगे तक ये जो स्लैड है वो वहां तक पहुंच गया। इसलिए हम हर जगह पर हमने कोशिश किया, हर अफसर के पास कोशिश किया और जो कंपनी वाले उनको भी किया, बोला कि ये हमारा जो एरिया है वो इस एरिया में आकर डंगे दो, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और पत्थर निकाल कर ये दूसरी जगह पर डंगा इस्तेमाल इन्होंने किया। तो लिहाजा मेहरबानी है कि उन्होंने कोशिश वो इसलिए हम तंग पड़े, वो तंग पड़कर हमने इस वक्त आज ये रोड बंद किया। कोई अफसर आएगा, तहसीलदार साहब आएगा और कोई अफसर यहाँ पर पहुंच गए, मीडिया वाले पहुंच गए और मौके पर चेक करेंगे कि ये मामला सही है जहाँ हम गलत बोल रहे हैं। हमने ये मकान बनाया और इससे पहले देख सकते हैं हमारे कच्चियों कोठियां, हमारे पूरे जो पक्के मकान भी बीच में थे कोठियां कच्चियां बनी हुई थी वो भी हमारे जद में आ गए और एक सलाह डोर पड़ी तो पूरा मकान जो हमारे खत्म हो जाएगा। आप गिबरी गरीब कहाँ जाएंगे? मैं मनियाल बी से बोल रहा हूँ। ये रोड की वजह से हमारा ये रोड की वजह से इन लोगों की वजह से हमारा ये नुकसान हो चुका है। इस टाइम जितना भी देख सकते हो आप हमारी जमीन कितनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, जितना भी पत्थर है इन्होंने बेचा है यहाँ से लेके दूसरी जगह लेके चले। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर अंदर आवाज मेंटल हेल्थ हवाले एक तकरीब हुन संज करने यथ मज मुतलिका जिम्मेदारों तो नौजवान हज एक खास तदाद शिरकत कर अत मौकस पे मेंटल हेल्थ हवाले लुकन जानकारी दिन आए तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जहनी दबाव मुलवस नफरन खिलाफ से अवेयर करें जरूरी युत अत पे मुकम्मल पे कबू प्रावने यी। हमें आज यहाँ पे मौका दिया है कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने, जिनके बड़े शुक्रगुजार हैं, ताकि हम जो नशा मुक्त भारत प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ताकि हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकें, लोगों को अवेयरनेस दें हम इस बारे में सब्सटेंस अब्यूज क्या चीज़ है और ये किन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ वाबस्ता रहता है। तो ये हमारी मुसलसल काविश है ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम पहुँचाएँ कि इससे क्या हो सकता है अपने इंडिविजुअल लेवल पे या रिश्तेदारों के लेवल पे या ओवरऑल सोसाइटी में कितने मनफी असरात इसके होते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि लोगों को जितना भी हम ये अवेयर करें इसमें, ताकि सोसाइटी हमारी जो है ना इससे निकल आए। अभी जो यहाँ के रिपोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स के मुतालिक कहें कि तो मतलब यहाँ लगता है कि बड़ी अलार्मिंग लेवल पर ड्रग अब्यूज़ है यहाँ पर, तो इसका तदारुक बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि इसकी प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रिवेंशन में ही हम उसको ज़्यादा फोकस करें तो शायद लोग इसके एडवांस स्टेज पे न जा सकें। जी मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये एपिडेमिक की सूरत अब यहाँ ले चुका है, इसके लिए बेहतरीन यही है कि ये कम्युनिटी में ही ये प्रोग्राम लिए जाएं। बस इसके लिए ये कि मसलन एक डेढ़ सेंटर यहाँ पे कहीं है, दो तीन जगहों पर हैं और एक ये चूँकि सोशल टैबू इसमें इन्वॉल्व है, लोग रिलेक्टेंट हैं उन जगहों पर ले जाने के लिए अपने बच्चे को या किसी अजीज़ को। बेहतरीन यही है कि जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मसलन मास्क है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उन जगहों पे ही ये प्रोग्राम लिया जाए कम्युनिटी के पास और वहाँ छोटे वसाइल जो है ना स्क्रीनिंग के वहाँ मैसर किए जाएं। और अगर किसी वालिद को लगे कि मेरे बच्चों को मसलन ऐसा कुछ है, शक है,
वो इजीली ले सकता है बंदे को वहाँ पे और पता चलेगा इमीडिएटली कि उसको क्या मसला है। ये बहुत शुमाली कशीर हंदवार लंगेट बनगाम इलाके और रोसन वाले लोगों तरफ इंतजाम खिलाफ खामोश एहतजाज करना आमद एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुद लगातार रूद पेन सलाक सड़क खस्ता हाल सपजम यमकिन लोगों हूँ फेरन थोरन मुश्किल तमों से ये ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम यमकिन लुख मुश्किल मेनाम तमों से अवाल इंतजाम अपील करम अत मामलों कुल गुन दिन तो सड़क मरम्मत हवाल गंजीद कदम तुलने य इत लुकन हिंद मुश्किल दूर सपदन गुजार कि तुन ये बनगाम मशरी गोडत कर सियासत कत कि बनगाम सियासत वोट आय त्रावन तम रूद बनगाम हमेशा के लिए वोट त्रावान मगर अस रूज ये मेन स्ट्रीम पार्टी एम एल ए इंजीनियर रशीद सब उस सदम तमस गई आज 10 वरी 15 वरी गई तमस कंटिन्यू सानी कॉन्स्टिट्युएंसी में जेनान मगर बिलखसूस नमो दहो गामो मन वहीद यह बनगाम ये सत्य ना इंसाफी से करना अस बी डी सी चेयरमैन शौकत अहमद पंडित सब सो हमसाय हमसाय वही पोरा सो रोजा तम नहें ये बनगाम मह तवजू दुत खास कर नम चकल मह पोर चकल हरिपोर वहीपोर यूनस इतो गामो मह वहीद यह बनगाम ये सत्य ना इंसाफी करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डी सी सब तुद चैनल के वसात सद विकस गुजारिश कर तु दियो नजर तु यू बनगाम मे प्रजेंट पोजिशन वो तु नमो दह गामो मह वहीद यह गाम ये टोटल हज ना इंसाफी अस सह यह बदकस्मती कि सोन योत गाम नजर अंदाज कर आर एंड बीच कत करो तो आर एंड बी वह फिर बहुत तथा गवाह कम से कम आ दह फिर ग आर एंड बी किस डी एस नश नम रोड खतर मगर टोटल दुत नम दसरत ये कि मेन यही रोड जुनान बड़शा खंड ये हाई वे रोड सदल से बनेमुत फुटपाथ यलि जन तथ साइड गंडन डी ओन अर ना दिख दी कदल थो तुम पेंडिंग बिना इनाग्रेशन आव सह कदल यल त्र तो अस लूक सत्य ना इंसाफी कर अगर तुम तथा कदलस पे खसु तुम वो तमिक साइड पोजिशन चारवे गई तम पे बोन तीर गई तम पे बोन इंसान खतरा अगर और इन गाड़ आकान या कह ट्रैक्टर आकान साइड गुंजाइश कहीं पकन तम सकान इंसान दुशन खोवर गिरत तेल कि जन वह तीर तम पे बोन गए मेहरबानी तो मेहरबानी कर बहु गुजारिश कर डी सी सब एल जी सब गुजारिश कर मेहरबानी कर बनगाम कुन दी तो तवजू अस टोटल तुम वो ये विकस रोड पोजिशन यम सात पगह रूद पे खुदाय नजदीक पे बच तार खोन मं अटस पे तार लांग लांग बूट अनमित अदिश माजी शरीफ ना अस बना पकन ये क्या मतलब जन मोनू नब लोट अन या कह बना पकन कह तो बच जन नच सूरत कह सह क्या नुब रूद मज रूद करा बारिश कर जनाबी ये बना पकन कह ये कठन तय आब तुम गापस शर्मंदगी शर्म क्या गा तुह क्या यहाँ ड्रेन आ सडस युद्ध यह आब ना कुछ जगह मतलब दरिया कुन ग बे ग रोड असल पा मतलब तील गोस ये त्रा थोड़ा गोस ये थजर पान कर मतलब ऐसे वो ना नाल से लजम डिस्ट्रिक जना बी क्या वन बे यमो बन प्रजे रोड ये थोक दरबदार यम सा वोट यपि वादी मज लगातार रूद पेन सूख मुश्किल मज हम अम हवाल जनूबी पुलवोम रोजन वाले लुकन हूँ वन जे लगातार रूद पेन सूदवन जमा सपूदमुत यमकिन सोन फसल तबाह सपूदमुत तो अम हवाल जमींदार मुश्किल मज हम तमों से हवाल इंतजाम अपील करम अम हवाल मुआवजा फराहम यून कर युद्ध सोन तशवीश दूर सपद जबरदस्त यहाँ लत प्रत सात युद्ध रूद पे जंगल पे रूद पेन तो ये आब खोतमुत आंगन तो तुम वो पान तु तुम नजर प्रेथ कुन गेटस अपुज मह तुम वो सिकटेल से लागे तत आबन क्या कर्म रात खोत यह आब आंगन मह चप युन तवान ये सामा गवर्नमेंटस गए वारे लड़ तो अ गोर कहें सपदान दपान ये दीता बंड जनाब अस बच बार बार खसे ना आब कम 10 वरी वनान नमन ये करो यह बंड दी तो क्या करो गमेंट हे क्या तरह मगर पत्मों 10 वर्यो पे हूं
کہین تنس تہ ڈپارٹمنٹن کی تیت کل جماعت صبح جماعت پتم دہ وری پہ ہوں کہین تیت نم گئی اٹلی باغ نم گئی یور باغ نو گو پھل گو مٹر جناب محترم ات سن کہین تن گورمنٹ سر ونکس ہکان اتن سن گزارش یت ہن بنڈ گورمنٹ دیتن یا دیتن بنڈ یہ زمین سون بچتن وادی کشمیر میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے جو یہاں کی ندی نالے ہیں ان میں سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. وہی اگر بات کریں پلوامہ کی تو یہاں پہ جو اکثر ندی نالے ہیں ان میں بھی جو پانی کی سطح ہے ان میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. وہی اگر بات کریں کوئل پلوامہ کی تو یہاں پہ جو آپ نالہ دیکھ رہے اس میں بھی جو پانی کی سطح ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ یہاں کے جو کھیت کھلیان ہے اس میں داخل ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے یہاں کھڑی فصل اور جو یہاں پہ سبزی ہے یا باغات ہے ان کو کافی نقصان پہنچا ہے. اور لوگوں نے یہاں اپیل کی ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ یہاں پہ ایک مستقل بند تعمیر کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کا نقصان نہ ہو سکے. عادل شاہ نواز, گلستان نیوز. سردی ضلع راجوری من آز منشیات مخالف ریلی ہند سنز کر انتظامیہ کے ذمہ داروں علاوہ طالب علم ہند ایک خاص تعداد شرکت کر ات موقع پہ عوامی نمائندہ تقریب مز موجود تت نوجوان پہ زور دن آمد تم گھن ام وبا نش دور روزن یت اخ پائیدار سماج تیار کرنس مز مدد میل. مزید تفصیلات راجوری پہ جمشید ملک. منشیات کے خلاف ضلع انتظامیہ کی ایک بڑی مہم جس میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ سیاسی لیڈران کے ساتھ اب مذہبی رہنما بھی اس میں شامل ہوئے. یہ ایک بڑا قدم ہم اس کو ضلع انتظامیہ کا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب مذہبی رہنماؤں کے اس مہم میں شامل ہونے سے ہم ضلع پر ضرور اس وقت اس منشیات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. ہمارے ساتھ ہیں ضلع ترقیاتی کمشنر راجوری وکاس کندن جی, ان سے جانیں گے اس مہم کے بارے میں. سر آج کے اس پروگرام کے بارے میں جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ سیاسی لیڈران کے ساتھ اب مذہبی رہنما بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے, یہ ایسا گروپ ہے, ایج گروپ ہے جو کالج میں بچے ہوتے ہیں جو ڈرگس کے مینج سے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. آج ہماری یہی کوشش تھی کہ جن بھی لوگوں کی بات ہمارے بچے جو ہے وہ اچھے سے سن پائیں, میں ان کو انوائٹ کیا, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہو, سوشل لیڈرز ہو, ریلیجیس لیڈرز ہو, کمیونٹی موبلائزرز ہوں, ہم نے سب کو بلایا اور سب سے پانچ پانچ منٹ بچوں سے بات کرنے کے لیے بولا. اور بچوں سے ان لوگوں نے جو باتیں کی ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ بچوں کے ذہن میں اس کا فرق پڑے گا. اور جو کوئی بھی بچہ جو ڈرگس کے اندر جو پھنسنے کے بالکل تھریش ہولڈ پہ تھا وہ اس چیز سے بچے گا. ہمارے اس طریقے کے پروگرام جو ہے اور بھی ڈسٹرکٹ میں ہوں گے, لیکن آج یہ ہمارا ایک مین پروگرام تھا. اس